मेरे यहाँ अभी धान की रोपाई का कार्य चल रहा है। कुछ कुछ खेत हैं जिसमें रोपाई हो चुकी है और कुछ कुछ खेत में अभी भी रोपाई का काम चल रहा है। मैंने पिछले बार एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि मेरे इस बार 36 कुंटल की उत्पादन प्राप्त हुई है। तो उसमें नीचे कमेंट आया था कि आपने ऐसे क्या शेड्यूल लेते हैं या फिर आप कैसे करते हैं, उसका थोड़ा वीडियो या फिर हमको डिटेल में बताइए। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो मेरा जो शेड्यूल है जिसका मैंने यूज़ करके 36 कुंटल तक का मैंने उत्पादन प्राप्त किया है धान की खेत में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जो रोपाई के समय क्या क्या चीज़ देते हैं। रोपाई के पहले जो रहती है उसमें हमने गोबर की खाद डालते हैं एक ट्राली। उसके बाद 3 साल में एक बार जो ढेंचा होती है हरी खाद के रूप में, मैंने ढेंचा को लेता हूँ। चाहे तो हर साल भी आप ले सकते हैं लेकिन कम से कम 3 साल में एक बार आपको लेना रहता है। उसके बाद जो है रोपाई के समय आपको लगभग 50 kg मैं उसमें SSP डालता हूँ, सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें 16% उसमें फास्फोरस होती है और कुछ परसेंट कैल्शियम और कुछ परसेंट उसमें सल्फर की भी मात्रा होती है। इसके बाद मैं इसमें 15 kg डालता हूँ पोटास, और उसके बाद लगभग 25 kg इसमें DAP और 5 kg का माइक्रो न्यूट्रिशन। ये मेरा एक शेड्यूल रहता है रोपाई के समय तक की बात हो गई है। और आफ्टर रोपाई के 21 दिन बाद मैं इसमें लगभग 35 से 40 kg यूरिया पर एकड़ के हिसाब से डालता हूँ। और उसके 21 से 25 दिन बाद, फर्स्ट टाइम यूरिया डालने के उससे 21 से 25 दिन बाद मैं लगभग फिर एक बार यूरिया को लगभग 25 से 30 केजी और लगभग 15 केजी उसमें फिर से मैं पोटास डालता हूँ। उसका रीज़न ये रहता है पोटास डालने का कि उससे जब बालियाँ जो निकलेगी, पौधे जब गबोट में आएगी बालियाँ जब निकलेगी तो उसमें अच्छे से बाली निकलेगी, उसके दाने अच्छे से भरेंगे और जो पौधे हैं रोग प्रतिरोधी क्षमता उसकी बढ़ेगी। इसके साथ साथ फसल जो गिरने की जो समस्या रहती है उसमें कुछ हद तक हमको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए उसमें मैं पोटास डालता हूँ। इसके बाद मैं आपको बता दूँ जो जिंक होती है, मैं 3 साल में एक बार लगभग 10 kg पर एकड़ के हिसाब से मैं इसमें जिंक डालता हूँ। आप चाहें तो हर साल 5-5 kg के हिसाब से हर बार डाल सकते हैं, लेकिन आप 10 kg डालते हैं तो 3 साल में लगभग एक बार आपको ये जिंक जो है आपके खेत में डालना रहता है। और उसके बाद जो कीट वगैरह का नियंत्रण करने के लिए भूरा माहो जैसे हुआ, जिसको BPH बोलते हैं, तना छेदक हुआ, पत्ता लपेटक कीट हुआ, इन सब के लिए तो अलग अलग इंसेक्टिसाइड समय देख के, कीट के प्रभाव देख के उस समय अलग हिसाब से उसमें डलती रहती है। बाकी मैंने जो आपको फर्टिलाइजर का जो डोज बताया ये रहता है। और माइक्रो न्यूट्रिशन के रूप में अगर आप खेत में नहीं भी डालते हैं तो डिकम्पोजर से जो आप माइक्रो न्यूट्रिशन बनाते हैं तो डिकम्पोजर वाला माइक्रो न्यूट्रिशन भी बना के आप अपने खेत में उसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपको अलग से माइक्रो न्यूट्रिशन अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं इस बार लगभग जो मेरा 6 एकड़ का खेत है इसके लिए मैं लगभग 1000 लीटर की जो टंकी है उसमें मैं इस बार माइक्रो न्यूट्रिशन बनाने वाला हूँ सिर्फ स्प्रे में देने के लिए। तो इतना को मैं फॉलो करता हूँ और इस बार मुझे उम्मीद है कि लगभग 34 से 36 कुंटल के बीच में ही मेरे उत्पादन आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से जो मेरा शेड्यूल रिपीट हो रहा है, जिस तरीके से जो मेरे पुराने जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे को लग रहा है कि इस बार भी जो मेरे उत्पादन है लगभग 34 से 36 कुंटल आने वाली है, जिसको मैं अगले बार कटाई के टाइम में इसका वीडियो बना के आपको बताऊँगा। इसके साथ साथ बीच बीच में और क्या बदलाव करते हैं उसका भी मैं वीडियो बनाते रहूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में घंटी को आप प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी ऐसे वीडियो डलेगा तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।